हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा लिविंग रूम टूर, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपका होम टूर करो, होम टूर करो। सो गाइस, रिसेंटली ही मैंने अपने लिविंग रूम का जो है मेकओवर किया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना आपके साथ मेरा लिविंग रूम टूर ही शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं आज आपके साथ लिविंग रूम टूर शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आए, तो चलिए फिर देखते हैं कि मेरा लिविंग रूम कैसा है। हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देती हूँ जिससे आप घर बैठे कमा सकते हो और जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है मीशो ऐप। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप वहाँ पर उस पर आपका नंबर डाल के साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको इस तरह से एक ऐप ओपन हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको घर के रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देख सकते हो सूट, बेडशीट, सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आ गया था तो इसे मैंने ओपन किया, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मुझे येलो कलर पसंद आ गया था, उसमें मैंने क्लिक किया, उस पर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया अपने हस्बैंड के अकाउंट पे। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड के आप ग्रुप पे ऐसे शेयर कर सकते हो, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन शेयर हो जाने के अगर उसे ये पसंद आता है तो वो उसमें आपको कलर ऑप्शन मांगे थे, आपको कलर ऑप्शन भी उसे सेंड करना है। और अगर उसे वही कलर पसंद आता है तो आपको उसकी डिटेल जाननी है, मतलब आपको उसका साइज़ और उसका एड्रेस मांगना है उससे। बस आपको साइज़ ऐड करनी है और ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उसके कार्ड का ऑप्शन को क्लिक करना है, और उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया है, और कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको यहाँ पर उसका प्राइस दिखेगा 506 रुपीज़। 506 रुपीज़ आपको उसमें आपको मार्जिन भी ऐड करना है, मतलब मैंने यहाँ पर मेरा 200 मार्जिन ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 706 रुपीज़। यहाँ पर मेरा 200 जो मार्जिन है वो नीचे आ गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल डालना है, आप इस पर आपका एड्रेस भी डाल सकते हो, आपके एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो और आपके फ्रेंड के एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो। बस एड्रेस डिटेल डालने के बाद ये बाय करना है आपको, और इस तरह से आपका प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है, और राइट हैंड साइड में आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट में जाना है और उसमें आपके बैंक डिटेल डाल देनी है, अकाउंट नंबर एंड डिटेल, सारा बैंक का डिटेल आपको डाल देना है। इससे जो है आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके बाद नीचे ये माय पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, माय पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट भी देख सकते हो कि बैंक अकाउंट में मार्जिन आने के लिए 15 दिन इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनकी 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है। आपका अगर कोई फ्रेंड 7 डेज में रिटर्न करता है, कोई प्रोडक्ट उसको नहीं पसंद आता है और वो रिटर्न करता है, तो इसी वजह से आपको 15 दिन लगते हैं आपका मार्जिन आने के लिए। तो आप 7 डेज में ये प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट हैं, और इनके प्रोडक्ट सारे क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल चीप नहीं मिलते हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, एक ही जगह पर आपको घर के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए मिल जाएंगे, आपके बच्चों के लिए मिल जाएंगे, किचन के लिए मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और आप घर बैठे इसे कमा सकते हो, सिर्फ आपको इसे शेयर करना है और आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। हे गाइस, जैसे ही हम हमारे लिविंग रूम में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर मैंने रखा है ये क्रीम कलर का मैट। उसके बाद आप एक ओवरऑल लुक देख लीजिए मेरे लिविंग रूम का, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ एक एक करके दिखा देती हूँ। गाइज, आपने लिविंग रूम का ओवरऑल लुक देख लिया है, अब आते हैं हम सेंटर टेबल पे। तो सेंटर टेबल कुछ इस तरह से है, ये लकड़ी का है और ये साग की लकड़ी का है, ये हमने बनवाया है, रेडीमेड नहीं लिया है। इसके ऊपर ग्लास लगवाया है, और इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए हमने इसमें मार्बल्स डलवाया है, तो इससे थोड़ा सा फैंसी लुक आता है। और उसके ऊपर मैंने ये मैट रखा है, टेबल मेट, तो ये बहुत ही अच्छा है और सीक्वेंस का है, और इस पर मोती वर्क किया हुआ है तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये। और उसके ऊपर ये मैंने पॉट रखा है कुछ इस तरह से, और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये लुक इसका, और ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है इसका। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सोफ़े के कॉर्नर में मैंने एक पॉट रखा है, ये वुडन का है, और इसमें मैंने पिंक कलर के फ्लावर रखे हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं। और फिर आते हैं हम लोग हमारे सोफ़े पे, तो ये 10x10 का सोफ़ा है,
ये एल शेप में सोफ़ा है और इसकी जो इसका जो कलर है वो है क्रीम एंड डार्क ब्राउन कलर, जो मेरे हॉल की थीम है, यानी कि मेरे जो लिविंग रूम की थीम है वो क्रीम एंड डार्क ब्राउन कलर में ही है। तो इसीलिए सारे चीज़ों में आपको क्रीम एंड डार्क ब्राउन कलर ही दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से हमने कर्टन्स लगवाए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल से कर्टन्स दिखते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर में हमने ये ग्लास का स्टैंड रखा है और उसमें एक कृष्णा जी की मूर्ति रखी है। और उसके बाद हम लोग आते हैं इस वॉल पर, तो इस वॉल पर हमने ये अमेजोन से परचेस की हुई शेल्फ लगवाई है। तो इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। तो यहाँ पर इस शेल्फ में सबसे नीचे मैंने रखा है ये लकी बुद्धा, उसके बाद मैंने रखा है यहाँ पर एक बुद्धा का फेस, उसके बाद एक स्टैचू है ये हॉर्स एंड प्रिंसेस एंड प्रिंस का, और उसके बाद ये ऊपर मैंने रखा है एक स्टैचू, ये फुटबॉल लेके लड़का है, और ऊपर मैंने रखे है म्यूज़िकल बुद्धे, मतलब यहाँ पर बैंड बजाने वाला, यहाँ पर गिटार बजाने वाला और बांसुरी बजाने वाला है। उसके बाद ये गणेश जी की मूर्ति है। उसके बाद इस शेल्फ पे आते हैं, तो इस शेल्फ पे मैंने रखा है यहाँ पर कछुआ, ये लकी माना जाता है इसी वजह से यहाँ पर रखा है मैंने। उसके बाद ये तीन गांधी जी के बंदर है, तो ये बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो इस वाले, तो ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं। उसके बाद ऊपर है दो स्टैचू गर्ल एंड बॉय का, और उसके बाद साइड में हम देखते हैं तो ये पेन स्टैंड है, तो वो पेन स्टैंड मैंने यहाँ पर रखा है। उसके बाद ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने रखी ये बुद्धा की मूर्ति, काफ़ी ब्यूटीफुल है और पास से देखते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और आप देख सकते हो यही वॉल पे मैंने यहाँ पर रखी है एक गणपति की मूर्ति, ये हैंग की है और ये कृष्णा स्टाइल में है, बांसुरी बजाते हुए गणपति। उसके बाद इसी वॉल पे यहाँ पर एक डोर है, तो उसके जस्ट ऊपर हमने वॉल क्लॉक लगाई है, और यहाँ पर वॉल क्लॉक है और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये वॉल क्लॉक, आप देख सकते हो, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी है। इस पे स्टोन वर्क है, ये फ्लावर है और ये भी क्रीम एंड डार्क ब्राउन कलर में ही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और इसमें भी थोड़ा सा गोल्डन शेड है। उसके बाद हम लोग इस वॉल पर आते हैं, इस वॉल पर हमने रखी है एक विंडो, ये किचन एंड लिविंग रूम के वॉल है और उसमें हमने ये एक विंडो रखी है, अगर लिविंग रूम में कोई आता है तो किचन से ही हम लोग लिविंग रूम में देख सकते हैं। तो उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर हमने फिश पॉट रखा है, तो इस फिश पॉट में कुछ फिशेस थी ओरिजिनल वाली, तो वो मर गई थी, तो हमने दोबारा से लाई तो वो भी मर गई थी, तो इसी वजह से हमने लाई नहीं, फिर उसमें वो आर्टिफिशियल वाली फ़िश रखी है। तो अभी इसके जस्ट ऊपर देखते हैं विंडो के, तो ये वाली फ्रेम रखी है हमने वो पेंटिंग वाली। और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है मेरा टीवी यूनिट, तो टीवी यूनिट बहुत ही सिंपल सा रखा है हमने, और आगे अगर चेंज करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर सिंपल सा रखा है, बहुत ही सिंपल है, नीचे टेबल है और उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक फिश पॉट रखा है, आर्टिफिशियल फिश पॉट, इसमें कलर चेंज होते हैं लाइट के और बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसमें अगर आप लगाओगे तो वो फ़िश ऊपर आती है। और ये इनको आर्मी में मिला था, तो ये है सर्टिफिकेट। और यहाँ पर हमने होम थिएटर रखा है और जस्ट ऊपर हमने टीवी हैंग की है और उसके ऊपर ये स्टिकर लगवाया है कॉर्नर में, तो ये स्टिकर मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किए थे, तो इसे 2 साल हुए हैं, तो वैसे के वैसे ही है और काफ़ी अच्छे निकले ये स्टिकर, मतलब वैसे के वैसे ही, अभी कुछ भी नहीं हुआ है इसे, 2-2.5 साल हुए होंगे इसे। उसके बाद हम लोग जस्ट आते हैं तो उसके साइड में यहाँ पर है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, स्टेयर्स से हम लोग जैसे ही ऊपर चढ़ने लगते हैं तो मैंने नीचे एक मेट रखा है ब्लैक एंड सिल्वर कलर का। उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टेप पे ये 2 पॉट रखे हैं, ये पीतल के हैं और इसमें ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये भी, और इसमें रेड डाली हुई है तो काफ़ी ओरिजिनल टाइप का ही लुक आता है, तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप पे रखा है। उसके जस्ट ऊपर में ये हमने ग्लास का स्टैंड लगवाया है और इसके ऊपर एक पॉट रखा है गोल्डन कलर का। उसके बाद जैसे ही हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ने लगते हैं तो इस वॉल पे मैंने ये 3D मिरर वाले स्टिकर्स लगवाए हैं, तो ये इसका जो अप्लाइंग वाला वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ चेक कर लेना।
तो इस तरह से ये स्टिकर्स लगवाए हैं और लगते हैं ये स्टिकर्स भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद ये लैंडिंग में मैंने ये एक वास रखा है, मतलब ये एक पॉट रखा है, ये भी वुडन का है और इसमें इस तरह से स्टिक्स रखे हैं। इसमें मैंने एक भी फ्लावर स्टिक्स नहीं रखा है, इसमें सब वो वुडन वाले जो बम्बू वाले स्टिक्स होते हैं वही रखे हैं। और उसके जस्ट साइड वाले वॉल पे हमने ये फ्रेम लगवाई है और ये 3 का सेट आता है तो यही फ्रेम लगवाई है और इसमें पेंटिंग्स है तो काफ़ी प्यारी लगती है, तो यही है। और ऊपर का मैं व्यू आपको नहीं दिखाऊँ क्योंकि मेरे लिविंग रूम से नीचे से जितना दिखता है उतना ही मैं आपको दिखाऊँगी, मतलब ये लिविंग रूम में ही आएगा इतना तो नहीं मैं आपको दिखाऊँगी। ऊपर का आपको अगर देखना है तो मेरा जो होम टूर आएगा वो देख लेना। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि होम टूर जल्दी ही आने वाला है, उसमें आपको सारा घर मुझे मेरा दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर इस तरह से आप नीचे आते हो स्टेयर्स से तो आपको लिविंग रूम का नीचे का जो लुक है वो देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी, तो जस्ट ये पॉट के ऊपर मैंने ये फ्रेम लगवाई है तो ये कुछ इस तरह से पेंटिंग वाली फ्रेम है और काफ़ी प्यारी लगती है ये भी। और अभी आप एक बार और मेरे लिविंग रूम का जो ओवरऑल लुक है वो देख लीजिए तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। हे गाइस, वहाँ पर जो आपको ऊपर एक लाइट दिख रहा है वो कलर चेंजिंग लाइट है और वो इस वाले शेल्फ पे पड़ता है। आपने इस वाले का इंस्टॉलेशन वाला वीडियो अगर देखा है तो आपने देखा ही होगा कि कलर चेंज होता है लाइट का और बहुत ही प्यारा लगता है लाइट लगाने के बाद। इस तरह से मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया है तो। इस चैनल पे मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ, अगर व्लॉग्स देखना आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, मेकअप वीडियोज, हॉल वीडियोज डालती रहती हूँ। तो आप मेरे मराठी ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।